पर इन गर्मियों में लगभग सारे हिल स्टेशनों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपने चार धाम के यात्रा में भीड़ होने की खबरें भी पढ़ी होंगी। इन सबके बीच अभी भी एक ऐसा हिल स्टेशन है जो लोगों के भीड़ से अछूता है और आप यहां आकर शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में घने ओक और नीले देवदार के जंगलों से घिरा 1700 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित लायंस डाउन एक ऐसा ही हिल स्टेशन है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लायंस डाउन के बारे में पूरा विवरण देंगे, जैसे कि यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकें, क्या क्या देखें, फूड के क्या क्या ऑप्शन है और कितना खर्च आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। लायंस डाउन को गढ़वाली में कालू डंडा के रूप में जाना जाता है। लायंस डाउन की स्थापना और नाम भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लायंस डाउन के नाम पर 1887 में रखा गया था। लायंस डाउन को अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल राइफल्स के रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र के लिए खान पान के लिए विकसित किया गया था। आजकल भारतीय सेना की प्रसिद्ध गढ़वाल राइफल्स का यहाँ अपना कमांडो ऑफिस है। दिल्ली से लायंस डाउन जाने में आपको 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। यहाँ आने के 3 ऑप्शन हैं। पहला, आप अपनी खुद की गाड़ी से आए, और यह सबसे सुविधाजनक भी होता है क्योंकि यहाँ आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स पर जाने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ आने के लिए आप बस ले सकते हैं जो प्रति व्यक्ति आपको कोट द्वार तक 280 रुपए की पड़ेगी। तीसरा और सबसे सुगम ऑप्शन ट्रेन का है। मैं लायंस डाउन ट्रेन से आया था। दिल्ली से सुबह 7 बजे जनशताब्दी चलती है, जो सिर्फ 140 रुपए में दिन के 2 बजे कोट द्वार छोड़ देगी। कोट द्वार से लायंस डाउन तक के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। शेयर टैक्सी आराम से मिल जाती है, जो 100 से 150 रुपए प्रति व्यक्ति में आपको लायंस डाउन पहुंचा देगी। लायंस डाउन पहुंचने के लिए सबसे जरूरी बात, अगर आप सुबह 4 बजे से पहले कोट द्वार पहुंच जाते हैं तो आपको यहां 4 बजे तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि जंगली जानवरों की वजह से कोट द्वार के आगे 4 बजे से पहले बढ़ने की अनुमति नहीं होती। दोस्तों, लायंस डाउन एक सैनिक कैंटोनमेंट एरिया है, इस कारण यहाँ होटल कम है, पर फिर भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट के मद्देनज़र यह सफिशियंट है। अगर आप पीक सीजन में आते हैं, यानी भीड़ भाड़ वाले सीजन में जाते हैं, तो आपको इस हिल स्टेशन पर होटलों की कीमत में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। अच्छा होगा अगर आप पहले से होटल को ऑनलाइन बुक कर लें। ऑनलाइन से ऑफलाइन के मुकाबले आपको इसमें 1000 रुपये की बचत हो सकती है। वैसे ऑफलाइन आपको यहाँ होटल 1500 से 3000 रुपये तक में आराम से मिल जाएगा। इससे सस्ते होटल रूम की सुविधा भी आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही यहाँ GVMN के गेस्ट हाउस भी हैं, जहाँ अगर रूम खाली हो तो आप रुक सकते हैं। यहाँ BSNL, एयरटेल, जियो सबके सिम का नेटवर्क चलता है। आइए अब जानते हैं कि लायंस डाउन में हम क्या क्या देख सकते हैं। वैसे लायंस डाउन तो लोग सुकून के लिए आते हैं और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते, फिर भी 5-6 ऐसे व्यू पॉइंट हैं जो लायंस डाउन मुख्य टाउन से के आसपास में है, 1.5 से 2 किलोमीटर में है, जहां आप आसानी से जा सकते हैं। सबसे पहला है सेंट जॉन चर्च। यह गांधी चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर माल रोड पर स्थित सेंट जॉन चर्च लायंस डाउन का मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सुंदर इंटीरियर डेकोरेशन तथा शांत एवं सुंदर जगह में बने इस चर्च को लायंस डाउन का मोस्ट विजिटेड प्लेस में गिना जाता है। इस चर्च का निर्माण 1937 में पूर्ण हुआ था। यह लायंस डाउन का एकमात्र रनिंग चर्च है। यह टिप एंड टॉप जाने वाले रास्ते पर स्थित है। लायंस डाउन में एक म्यूजियम भी है। जी हाँ, दरबान सिंह म्यूजियम। यह डिफेंस का म्यूजियम है, जो भारत के पहले विक्टोरिया क्रॉस होल्डर गढ़वाल राइफल्स के जवान दरबान सिंह के नाम पर बना है। इस 2 मंजिला म्यूजियम का संचालन भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर गढ़वाल राइफल्स के कुछ ऐतिहासिक कलेक्शन रखे हुए हैं। इसका उद्घाटन 1893 में किया गया था। आप यहाँ सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, जबकि सायं 4 बजे से 6 बजे तक घूम सकते हैं। गांधी चौक से इसकी दूरी सिर्फ 0.5 किलोमीटर है। एंट्री फी 50 रुपये है तथा इसे 1 घंटे में आराम से घूमा जा सकता है।
यहाँ का एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आइए अब चलते हैं स्नो व्यू पॉइंट। गांधी चौक से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्नो व्यू पॉइंट देखने लायक जगह है। यहाँ से गढ़वाल के माउंटेन पिक्स का व्यू किसी को भी सम्मोहित कर देगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पहुंचने का जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता है उसकी खूबसूरती का एहसास यहाँ पहुंचकर ही किया जा सकता है। साथ ही यहाँ से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का नजारा भी देखने लायक होता है। टॉप व्यू पॉइंट लैंसडाउन का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट अट्रैक्शन है। गांधी चौक से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे आपको टैक्सी यहाँ ऊपर भी लेकर आ सकती है, जहाँ से सिर्फ आपको 200 मीटर ही चलना होगा, पर अगर आप ट्रैक करते हुए आते हैं तो उसका आनंद अलग है। वैसे भी कहते हैं कि रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। यहाँ से भी गढ़वाल रीजन के विभिन्न माउंटेन पीक्स का नज़ारा काफ़ी शानदार दिखाई देता है और हिमालय के पैनोरामिक व्यू को देखने का एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ GVMN का गेस्ट हाउस है, जहाँ आप चाहें तो ठहर सकते हैं। टिपेन टॉप व्यू पॉइंट के रास्ते में स्थित सेंट मेरी चर्च भी जरूर देखें, जहां जाकर आप शांति का अनुभव करेंगे। वैसे यह रनिंग चर्च नहीं है, पर यहां का वातावरण अत्यंत शांत सौम्य और काफी लुभावना है। आप यहां थोड़ी देर बैठकर वातावरण का आनंद ले सकते हैं। गांधी चौक से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीम पकौड़ा के ट्रैक के बिना लैंसडाउन की यात्रा अधूरी है। यहाँ पकौड़े के आकार के 2 पत्थर को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। कहा जाता है कि महाबली भीम ने इसे यहाँ रखा था, इसी कारण इसका नाम भीम पकौड़ा पड़ा। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि ऊपर वाले पत्थर को आप सिर्फ एक उंगली से हिला सकते हैं, पर आप दोनों हाथों से चाहे कितना जोर लगा लें पत्थर गिरा नहीं सकते। यहाँ पहुँचने के ट्रैक का रास्ता भी काफ़ी सुंदर तथा मनमोहक है। भुल्ला ताल को इंडियन आर्मी द्वारा मेंटेन किया गया है। यह एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। यह कैंट एरिया में है। यहाँ की एंट्री फी 150 रुपये, जिसमें बोटिंग का चार्ज भी इंक्लूड है। गांधी चौक से इसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। यहाँ आकर बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उनके एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह पर काफ़ी कुछ है। बड़े भी यहाँ के गार्डन में कुछ देर आराम से बैठ सकते हैं, झील में बोटिंग चलाते लोगों को देख सकते हैं। गार्डन में चलते गाने इस जगह को चिल पॉइंट बना देते हैं। यकीन मानिए, आप पूरे परिवार के साथ इस जगह को खूब एंजॉय करेंगे। तारकेश्वर धाम स्थित शिव मंदिर आपके लैंसडाउन यात्रा को धार्मिक दृष्टिकोण से भी संपूर्ण करेगा। लैंसडाउन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह 1500 साल से भी पुराना शिव मंदिर, जहां आप अपने आप को प्रकृति के पास पाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो समय निकालकर यहां आना न भूलें। कैंपिंग के शौकीन लोगों के लिए भी लैंसडाउन में काफ़ी अट्रैक्शन मौजूद है। लैंसडाउन के चारों ओर 5 से 15 किलोमीटर के दायरे में कई सारे कैंप हैं, जहां आप लैंसडाउन के डेंस फॉरेस्ट में अपनी खूबसूरत रातें गुजार सकते हैं। कैंप ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। अब आती है बजट की बात। तो हम जब भी ट्रिप प्लान करते हैं, सबसे पहले क्या सोचते हैं? यही कि कुछ सस्ता ट्रिप मिल जाए और वो 4 से 5 हज़ार में निपट जाए। इसमें खाना पीना रहना सब हो जाए। बस सवाल यही आता है कि इतने सस्ते में जाए तो जाए कहाँ? अगर आपके मन में भी कुछ इस तरह का सवाल है कि इतने सस्ते में जाए तो जाए कहाँ, तो आप लैंसडाउन के ट्रिप को आसानी से 5000 में निपटा सकते हैं। कैंपिंग छोड़कर सबसे अच्छी बात तो ये है कि दिल्ली से लैंसडाउन सिर्फ 228 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे सबसे नज़दीकी हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। साथ ही लैंसडाउन से मसूरी भी आप 4 से 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो आप लैंसडाउन कब आ रहे हैं, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर पूछें, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। अगर आप लैंसडाउन की यात्रा कर चुके हैं तो आपके अनुभव भी शेयर करें, ताकि हमारे दूसरे साथियों को इसका लाभ मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।